फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ में हो रहे तेल के अवैध कारोबार और इस काले कारोबार में संलिप्त माफियाओं पर चला प्रशासन का हथौड़ा, इन माफियाओं को अब भारी पड़ने लगा है। आज होटल ओलिविया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले मेरठ के अन्य व्यापारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तेल माफियाओं पर उचित कार्यवाही की मांग करना था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि व्यापार मंडल चाहता है कि तेल माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, साथ ही अवैध तेल के मामलों पर सीबीआई की उचित जांच भी होनी चाहिए। इसी के साथ संयुक्त व्यापार संघ को मंच से मेरठ बंद करने पर खुली चुनौती भी दी गई। इस बीच तेल प्रकरण में गिरफ्तार किए गए मेरठ पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन के भतीजे गुड्डू जैन को जमानत मिल गई है। हम लोगों ने आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन जो करा है, पिछले कुछ समय से मेरठ के अंदर जो तेल माफियाओं का खुलासा लगातार हो रहा है, उसी विषय में अभी कुछ दिन पहले अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि मेरठ बंद कराने की चेतावनी कुछ संगठनों ने दी, तो आज हम लोगों ने इसी विषय में पत्रकार वार्ता रखी कि हम लोग तेल माफियाओं के ऊपर हो रही कार्रवाई में बिल्कुल प्रशासन का सहयोग करेंगे और साथ देंगे, किसी भी कीमत पर मेरठ बंद नहीं होने देंगे। जो संगठन मेरठ बंद कराने की बात कर रहे हैं, हम लोग उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं इस मंच से कि इस विषय में मेरठ बंद कराने की कॉल करके देख ले, मेरठ का एक भी व्यापारी किसी भी तरह से बंद में साथ नहीं देगा, एक भी मेरठ की दुकान इस विषय में बंद नहीं होगी। जो गलत है, गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम सब लोग इसी विषय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर साहब को, और हम लोग मांग करेंगे कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े रसूखदार सफेदपोष नेता इसमें लिप्त हैं और जो इनका सहयोग करने की बात भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भी भागीदारी इसके अंदर सामने आ जाएगी। अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल हम आईजी साहब का भी और कप्तान साहब का भी जिले के व्यापारियों की तरफ से सम्मान करेंगे। पिछले कई दिनों में देखा गया कि मेरठ में पुलिस और प्रशासन द्वारा तेल के अवैध और काले कारोबार से जुड़े हुए जाने माने लोगों के डिपो पर छापेमारी कर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसका पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अध्यक्ष साहब ने बताया कि व्यापारियों और आम जनता को इस काले तेल और अवैध कारोबार से हो रहे नुकसान से बचाने में उनकी पूरी टीम अब मैदान में उतर चुकी है। इन तेल माफियाओं के पक्ष में मेरठ जनपद का व्यापारी उस संगठन को उसकी औकात दिखाने का काम करेगा। हम बिल्कुल खुली चुनौती दे रहे हैं आज इस पक्ष से कि किसी भी कीमत पर मेरठ का व्यापारी मेरठ बंद की तो छोड़, एक भी दुकान किसी भी बाजार की इस पक्ष में बंद नहीं होगी। इस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए व्यापार मंडल आगे आया है और कहा है कि बड़ी संख्या में कई सफेदपोशों को बेनकाब किया जाएगा और तेल माफियाओं द्वारा विगत 20 सालों में अर्जित की गई संपत्ति की जांच की भी मांग आज इस कॉन्फ्रेंस में की गई है। की जांच होनी चाहिए और जो इनके साथ सफेदपोश नेता लिप्त हैं, कुछ अधिकारी लिप्त हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी इस काले कारनामों के पीछे हैं जो अब तक सामने नहीं आए, वो सभी का राजपाल होना चाहिए। सीबीआई जांच के अंदर सब लोग मांग करेंगे। इनकी सीबीआई जांच हो, 20 साल के अंदर इन लोगों ने साइकिल से और बीएमडब्ल्यू तक ये लोग कैसे पहुंचे, इसकी जांच हो, इनकी संपत्ति की जांच हो। प्रेस वार्ता की मुख्य बात यह रही कि मंच से व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि मेरठ जनपद का कथित व्यापार संघ, जो मुट्ठी भर लोगों की कागजी संस्था है, जो अपने फायदों और आर्थिक स्वार्थ को साधने के लिए तेल माफियाओं को बचाने के लिए मेरठ बंद के नाम पर अधिकारियों को दबाव में लेने का षड्यंत्र रच रहे हैं, आज हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं। सुनिए अध्यक्ष ने आगे क्या कहा। मेरठ जनपद के अंदर पिछले कुछ समय से तेल माफियाओं को लगातार अधिकारियों ने जो उजागर करा है, उनके काले कारनामों को, उसको लेकर आज हमारी पत्रकार वार्ता थी। अभी कुछ दिन पहले मेरठ जनपद के एक व्यापारिक संघ ने ये चेतावनी दी कि पुलिस प्रशासन अगर व्यापारियों का, तेल के व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा तो हम मेरठ बंद कराएंगे। हम लोग आज यहाँ तमाम जिले के संगठन के व्यापारिक संगठन मौजूद रहे और हम लोगों ने स्पष्ट उस संगठन को चुनौती दी है। हमारा कहना है कि अगर वो तेल माफियाओं के सहयोग के लिए मेरठ बंद कराना चाहेंगे तो मेरठ का एक भी व्यापारी उनके साथ खड़ा नहीं होगा और किसी भी कीमत पर मेरठ जनपद का व्यापारी एक भी दुकान का शटर नहीं गिराएगा। पिछले 20 दिनों से देखा जा रहा है कि प्रशासन इस कार्रवाई में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है कि मिलावटखोरों के प्रति जो भी चीजें निकल के सामने आ रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या सस्पिशियस है
है चीजें सच में या फिर जो लोग हैं उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं? ये सच्चाई है कि जो अधिकारियों ने कार्रवाई करी है बहुत अच्छी कार्रवाई करी है और बहुत से अधिकारी तो इनके ऊपर हाथ डालने से भी डरते थे। हम आईजी साहब को पुलिस कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस सच्चाई को उजागर करा, जनता के सामने इनका काला चेहरा बेनकाब करा। और इसी कड़ी में हम सब लोग कल डीएम साहब को कमिश्नर साहब को मुलाकात करके ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और हम लोग ये मांग करेंगे कि जो इस कार्रवाई के अंतर्गत सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो सच्चाई हो वो सबके सामने निकल के आए, क्योंकि इस काले कारनामे के पीछे बहुत बड़ी संख्या में सफेदपोश नेता भी हैं, बहुत बड़े आला दर्जे के अधिकारी भी हैं प्रदेश सरकार के, वे भी इनके पीछे सहयोगी की भूमिका में है, और जो इनका समर्थन कर रहे नेता वे भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इनके सहयोगी की भूमिका में है। तो कल हम लोग डीएम साहब को कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी, और जो बेगुनाह है उन्हें सताया ना जावे, लेकिन जो गुनहगार हैं उन्हें छोड़ा ना जावे किसी भी कीमत पे। कल हम सब लोग जाएंगे और इस विषय में बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तेल माफियाओं और उनके सहयोगियों का भी मेरठ के प्रमुख चौराहों पर पुतला दहन करके विरोध किया जाएगा। देखना होगा इस प्रकरण में अभी और कितनी चीजें बाकी हैं। फिलहाल इस मुद्दे से जुड़ी और भी अपडेट्स को जानने के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।